शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा, श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा, श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा, श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा, श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा, श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा, श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग तत्वार्षूत नामक महान ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आचार्य कुंदकुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित है। संस्कृत साहित्य का उच्च कोटि का ग्रंथ है। यह ग्रंथ 10 अध्यायों में है, जिसमें तत्व का वर्णन दिया हुआ है। हम प्रथम अध्याय, जिसमें जीव तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। भगवान आचार्य कुंदकुंद स्वामी हमें मोक्ष मार्ग का रास्ता बताते हुए, मोक्ष का उपाय बताते हुए, उसी की व्याख्या को हमें समझा रहे हैं। अभी हमने कल तक समझा था सम्यक दर्शन के भेद, सम्यक दर्शन के प्रकार, कितने कितने प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं, और उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए कल एक प्रश्न आया था कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण, कि सम्यक दर्शन के भेद तो हो गए, लेकिन हम तो सम्यक दर्शन प्रकट भी करना चाहते हैं ना, तो वो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो, इसकी बात आज अपन पढ़ेंगे। और इसके लिए अपन सबसे पहले सूत्र को पढ़ते हैं। सूत्र नंबर 3, अपनी जिनवाणी में यदि आपके पास हो तो देखिए, 3 नंबर का सूत्र है। उस सूत्र का हम सब लोग उच्चारण करेंगे। एक बार हम बोलेंगे और दोबारा सभी आप लोग बोलेंगे। तन निसर्गा, बोलिए, तन निसर्गा दधि गमाद्वा, तन निसर्गा दधि गमाद्वा, एक बार पूरा बोलेंगे, तन निसर्गा दधि गमाद्वा। ये सूत्र का उच्चारण है। आप लोग के पास भी घर में जिनवाणी होगी, आप भी खोल के बैठ सकते हैं, कॉपी लेके बैठ सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। तन
निसर्गा दधि गमात्वा। अब इसके लिए अपन सूत्र को समझने के लिए बोर्ड के माध्यम से इसको समझते हैं। तो अपन ने पढ़ा इस सूत्र को, सूत्र नंबर 1 अध्याय का 3रा नंबर सूत्र है, और सूत्र है तन निसर्गा दधि गमाद्वा। गमाद्वा तन निसर्गा दधि गमाद्वा, ये सूत्र को उच्चारण अपन ने अच्छी तरह से कर लिया। अब हम कभी कालांतर में भूलेंगे नहीं। देखो तीन ही शब्द, चार शब्द तो हैं, तन निसर्गा दधि गमाद वा, तो इस प्रकार से जल्दी से याद हो जाएगा। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है ना। अब अपने इसकी संधि तोड़ते हैं। जो संधि है, सूत्र का उच्चारण वैसे ही करना है जैसे लिखा हुआ है। हम अपने मन से सूत्र का उच्चारण गलत ना करें। लोग क्या कर लेते हैं, अपनी सुविधा अनुसार सूत्र का उच्चारण अपने अनुसार कर लेते हैं, वो सदोष हो जाएगा, निर्दोष नहीं होगा। आप कर लोगे तन निसर्गा अधि गमाद वा, अलग अलग कर लोगे, तो ऐसा सूत्र का पाठ नहीं करते। जब हम अर्थ निकालते हैं तो संधि का विच्छेद करके फिर उसमें हम अलग पढ़ सकते हैं। जैसे अब अपन को अर्थ निकालना है तो तन का तत हो गया, ना का ता, क्योंकि ता का ही ना हो गया था। तत फिर इससे निकलेगा निसर्गात, क्या निकला, निसर्गात, दा का ता हो गया, दा का ता हो गया, उससे निकला आ, तो आ गया यहाँ पर अधिगमात, फिर दा का ता हो गया अधिगमात, फिर वा निकल के आगे आ गया, ठीक है। तत निसर्गात अधि गमात वा, निसर्गात में जो ता लगा है, अधिगमात में जो ता लगा है, ये पंचमी का एक वचन है। आप लोगों ने थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी है, जब अपन बालक के रूप पढ़ते हैं या राम के रूप पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना रामात, बालकात, पंचमी में होता है से, ठीक है ना। तो निसर्ग से और अधिगम से अर्थ क्या निकल के आया, निसर्ग से और अधिगम से। तत मतलब वह, वह क्या, अपना पीछा सूत्र क्या था, सम्यक दर्शन का लक्षण वाला सूत्र था ना, कि तत्वार्थ का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। अब सूत्र जो होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं। तो ऊपर लिखा था तत, तो ये तत क्या बोल रहा, वह, वह मतलब वह सम्यक दर्शन, निसर्गात अधिगमात वा, निसर्गात से, निसर्ग से अथवा अधिगम से उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन दो कारणों से उत्पन्न होता है, कौन कौन सा बोला, निसर्गात, निसर्ग से अथवा अधिगम से तत वह सम्यक दर्शन क्या होता है, उत्पन्न होता है। मतलब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण क्या है, निसर्गात मतलब स्वभाव से, अधिगम मतलब उपदेश से, ठीक है। निसर्ग मतलब स्वभाव, अधिगम मतलब उपदेश कहो, शिक्षा कहो, ठीक है। इससे जो ज्ञान प्रकट होता है, इससे जो श्रद्धा प्रकट होती है, निसर्ग, निसर्ग किसे कहते हैं, स्वभाव, निसर्ग किसे कहते हैं, स्वभाव। जैसे क्या बोलते कि बोलते हैं ना नेचुरल, नैसर्गिक, भैया ये बहुत आदमी नैसर्गिक है, ये प्राकृतिक, जैसा अपन बोल सकते हैं इसको प्राकृतिक, तो प्राकृतिक कहो, नैसर्ग कहो, और स्वभाव कहो, शील कहो, प्रकृति कहो, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। तो जो सम्यक दर्शन स्वभाव से प्रकट हो जाए, किससे प्रकट हो जाए, स्वभाव से, और जो सम्यक दर्शन उपदेश से प्रकट हो जाए, तो उपदेश से प्रकट होने वाले को अपन उद्गम अधिगम कहेंगे, उपदेश कहो या शिक्षा, और जो स्वभाव से प्रकट हो जाए उसे कहेंगे अपन निसर्ग। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन जो है वो दो प्रकार से प्रकट होता है, ये बात अपन ने समझ ली। अब इसके बारे में और व्याख्या अपन करते हैं। तो अपन ने देखा सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण दो प्रकार से, एक स्वभाव और एक उपदेश से। देखिए जैसे नींद अपनी खुलती है तो दो प्रकार से खुलती है, एक तो स्वतः ही अपने आप खुल जाए, एक नींद वो होती है, और एक वो होती है कोई व्यक्ति उठाए, उठाने वाला व्यक्ति, हम सो रहे हैं उसने उठा दिया तो हमारी आँख खुल गई। एक ऐसा है कि हम स्वतः अपनी आँख खुल गई, तो काम उठना है, किसी भी प्रकार से उठना है, तो जो स्वतः ही खुल गई वो समझ लो स्वभाव, अपने आप उठ करके अपने अपने काम करने लगे,
तो वो स्वभाव हो गया। और एक नींद ऐसी है कि गाढ़ नींद है, वो व्यक्ति उठ नहीं रहा अपने आप से, तो माता पिता कई प्रकार के प्रयास करके आपको उठाते हैं और आप उसमें भी कहते हैं हूँ, अभी उठते हैं, ऐसे बहाने लगाते हैं, फिर उठ जाते हैं। तो एक हो गया, हमें सम्यक दर्शन आपको देना है, तो हम आपको उपदेश के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से आपको उपदेश दिया, समझाया, तत्व का ज्ञान दिया, चिंतन दिया, विचार दिया, तो जो विचार धारणा आदि से ग्रहण किया जाता है, हाँ ऐसा ही है प्रभु, ऐसा ही शास्त्र है, ऐसे ही गुरु होते हैं, यही मोक्ष मार्ग है, यही वीतरागता है, यह करने से ही कर्म की निर्जरा होगी, इससे मेरा आत्मा परमात्मा बनेगा। जब गुरु महाराज ने आपको तत्व का उपदेश दिया और तब आपको वह श्रद्धा जागृत हुई, आस्था बन गई, तो उससे आपको जो समीचीन तत्व का निर्णय हो गया, अहो ऐसा ही है, अन्य नहीं है, संसार में तो आडंबर ही आडंबर है, कर्म बांधने की बातें हैं, ओहो ये तो जिन धर्म है, जिन शासन है, वीतराग धर्म है, दिगंबर धर्म है, जहां पर सब मोह माया छोड़ने की बात है, और मैं तो संसार में न जाने अभी क्या क्या मानता रहा। गुरु ने आपको क्या क्या नहीं समझाया, और समझाया तो आपके दिमाग में बैठती गई, मैं तो अभी तक शरीर और आत्मा को एक मानता रहा, अभी तक मैं पर पदार्थ घर और धन दौलत को अपनी आत्मा से एक जोड़ता रहा, अभी तक मेरे अंदर तो ये था कि भैया मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, अभी तक मेरे अंदर ये धारणा बैठी हुई है कि मैं संसार का सुख भोगता हूँ, तो ये जो मेरे अंदर चार गलतियाँ थीं, उन चार गलतियों को गुरु ने बताया। क्या बताई पहली गलती? पहली गलती तो ये बताई कि भाई देख, तू शरीर और आत्मा एक नहीं है, पहले तो अच्छी तरह से जान ले। अभी तो मैं क्या समझ रहा था, मेरे शरीर में कुछ हुआ तो मुझे कुछ हो गया, अब तो मैं मर जाऊंगा, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। अरे तू तो अजर और अमर आत्मा है, अविनाशी तत्व है, तू ना जलता है, तू ना सड़ता है, तू ना मरता है, तू तो ऐसी आत्मा है, ना खंड खंड होती है, अखंड आत्मा है, जानने देखने वाला आत्मा है तू। इस प्रकार से गुरु ने हमें पहली गलती बताई कि भैया तू ऐसा मत मानना, शरीर का स्वभाव अलग है और आत्मा का स्वभाव अलग है। तो पहली गलती से परिचय कराया, मतलब अभी तक हमारी पर पदार्थ में जो एकत्व बुद्धि थी, शरीर और आत्मा को एक मारने की जो बुद्धि थी, उस बुद्धि को आचार्य भवन ने हमें ज्ञान कराया उपदेश के माध्यम से। फिर दूसरी गलती क्या बताई कि तू अपने शरीर तो ठीक है, जो शरीर आत्मा से भिन्न, मतलब प्रदेश भिन्न है, प्रदेश भिन्न मतलब जैसे मकान है, दुकान है, कपड़े आदि है, तू जहां जाता है ये सामान तो तेरा नहीं जाता साथ साथ में ना, लेकिन तू तो इसको भी कहता है मेरा, ये मेरा है, जगत में परमाणु भी तेरा, एक परमाणु भी तेरा नहीं है, अन्नम परमाणु मेत्तम पी, समय सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि भाई एक परमाणु भी तेरा नहीं है और तू उसे मेरा कहता है। कहने का मतलब निश्चय में तेरी ऐसी धारणा है, वचन में बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, व्यवहार में यह मकान मेरा है, पत्नी मेरी है, ऐसा बोलने में, कथन में, करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरे अंदर जो आत्मा में गलत धारणा बैठी हुई है, जो भ्रम बैठा हुआ है, उस भ्रम का निवारण करने के लिए आचार्य भवन ने कहा भाई ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, तेरी ये दूसरी मान्यता कौन सी है, ममत्व बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? पर पदार्थ में ममत्व बुद्धि, उससे भी तेरा परिचय करा दिया, अहो मैं तो अकेला, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, मैं अकेला आया था अकेला जाऊंगा, मेरा तो कुछ भी ना था ना है, मेरी तो सिर्फ एक आत्मा है जो जानती और देखती है। तो दो गलती से परिचय करा दी, पर में एकत्व बुद्धि, पर में ममत्व बुद्धि, इसका परिचय करा दिया। फिर तीसरा परिचय, मैं तो ये सोचता था कि मेरे बिना काम ही नहीं चलेगा, मैं ही तो घर बनाता हूँ, मैं ही तो मकान बनाता हूँ, मैं ही तो पैसा कमाता हूँ, मैं ही तो बच्चे पालता हूँ, मैं तो उनको बड़ा करता हूँ, और मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अरे भैया मैं जगत में कुछ भी नहीं कर सकता,
हर काम में मैं निमित्त तो बन सकता हूँ, कारण तो बन सकता हूँ, पर हर काम अपने अपने परिणमन से होता है। सबका परिणमन अपना अपना है, सबकी योग्यता अपनी अपनी है, सबकी शक्ति अपनी अपनी है। मैं बच्चे के अंदर अपनी शक्ति नहीं डाल सकता, वो अपनी शक्ति अनुसार प्रणमन करेगा। मैं पुस्तक दे सकता हूँ, कमा करके सारे साधन दे सकता हूँ, लेकिन ज्ञान मैं नहीं दे सकता, वो उसका अपना प्रणमन है। तो इस प्रकार से मकान के लिए मैं ईंट पत्थर इकट्ठे कर सकता हूँ, लेकिन उनमें ईंट पत्थर बनने की योग्यता उनकी अपने स्वयं की है। तो इस प्रकार से संसार में हर वस्तु अपनी योग्यता से बनती है और उसमें हम निमित्त मात्र होते हैं, पर हम निमित्त के कर्ता हो जाते हैं। हम नहीं होते तो बनता नहीं, हमने बनाया, हमने ऐसा किया, हमने खाना बनाया, हमने गाड़ी चलाई, हमने ये किया, हमने वो किया, ये मैं अहंकार अहंकार। तो बोले ऐसी कर्ता बुद्धि जो है ये तेरा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है, इस भ्रम का भी तू निवारण कर ले। तो तीसरी गलती आचार्य भवन ने हमें उपदेश से ये बताई। और चौथी गलती क्या बताई? भोक्ता बुद्धि। तीसरी कौन सी हो गई? स्वामित्व बुद्धि हो गई, कर्ता बुद्धि हो गई, और चौथी भोक्ता बुद्धि। भोक्ता बुद्धि क्या? यदि मैं ये कपड़े पहनता हूँ तो मुझे सुख मिलता है, मैं इस मकान में रहता हूँ तो मुझे सुख मिलता है, मुझे ऐसा भोजन मिलता है तो मुझे सुख मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। अरे भैया, भोजन से सुख कैसे हो सकता है, मकान से सुख कैसे मिल सकता है? तेरी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। यदि मकान से सुख मिलता हो तो बोलो अम्बानी के पास कितने मकान है, सुखी है क्या वो? सुखी नहीं है, तभी तो हाय हाय तौबा लगी, और करूं और करूं और करूं और बनाऊं, तो सुखी कहाँ है? रात को नींद की गोलियां खाना पड़ती होंगी, भोजन के लिए इंजेक्शन लगाना होता होगा, तो काहे के सुखी है बताओ? यदि धन से सुखी होते हैं तो चक्रवर्ती को सुखी होना चाहिए, फिर उसे मुनि नहीं बनना चाहिए, उसे घर नहीं छोड़ना चाहिए। भोजन पाने से सुखी होते हैं तो वो जो रसोईया दिन भर खाना बनाता वो दिन भर खाता रहता वहां बैठे बैठे, वो खुशी हो जाना चाहिए, तो वो भी खुशी नहीं होता है। इसका मतलब ना भोजन से सुखी मिलता है, सुख मिलता है, ना धन से सुख मिलता है, ना परिवार से सुख मिलता है, लेकिन तेरी सुख की परिभाषा ही अलग रही। तूने सोचा जितने साधन मिलेंगे उतना सुखी हो जाऊंगा, तो साधन जिसके पास हैं पर उसको सुखी होना चाहिए ना, उसको आनंद में रहना चाहिए, शांति में रहना चाहिए, लेकिन महा अशांति वही लोग ज्यादा है जिनके पास जितना है। तो भैया इसका मतलब वस्त्र भोजन ये सुख नहीं देता, ये इंद्रिय सुख देता है, ये तत्क्षण का सुख देता है, तत्काल का सुख देता है, त्रैकालिक सुख नहीं देता है। त्रैकालिक सुख तो इनसे परे निर्विकल्प होना ही। देखो सुख क्या है, जो अभी सुख मानते हो आपकी राग बुद्धि ही सुख है अभी, इसलिए वो परमानेंट नहीं है, और वीत राग बुद्धि आ जाए तो परमानेंट सुख की प्राप्ति हमें हो जाए। तो ऐसी चार गलतियों से परिचय कराया हमारे गुरुदेव ने, तो हमें उस सुन करके, हमें उस उपदेश से सुन करके हमें सम्यक दर्शन हो गया। क्या हो गया? हमें प्रेरणा मिल गए, वो हमारे निमित्त गुरु हो गए, वो हमारे प्रेरणा गुरु हो गए, और उस प्रेरणा गुरु से हमें सम्यक की प्राप्ति हो गई। जैसे आपने सुना होगा सिंह की पर्याय में दो मुनिराज आकाश मार्ग से आए और वो सिंह जो है मांस पिंड खा रहा था। उनने समझाया ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो आगे 10 भाव बाद महापुरुष बनने वाले हो, महावीर होने वाले हो, और ऐसा उपदेश दिया। उन्हें जाति स्मरण हुआ क्योंकि 2-5 भाव पहले वो पहले चक्रवर्ती आदि की पर्याय में थे और उस समय उनका सम्यक दर्शन था, फिर छूट गया और उनको याद आया जाति स्मरण से, ओहो ये बात तो सत्य है, और उनको क्या हुआ, फिर सम्यक दर्शन हो गया। तो उपदेश के माध्यम सम्यक दर्शन हो गया। तो इस प्रकार से गुरुओं के उपदेश से जिनको अच्छा ज्ञान हो गए और सम्यक दर्शन हो जाए, भेद विज्ञान हो जाए, पहला वो कहलाता अधिगम। और इसमें जा शब्द जोड़ दो, अधिगमज, जा मतलब होता उत्पन्न, उपदेश से जो उत्पन्न हो वो अधिगमज। निसर्ग में जा शब्द जोड़ दीजिए तो निसर्गज, जो निसर्ग से उत्पन्न हो, स्वभाव से उत्पन्न हो, उसे निसर्ग। स्वभाव में उपदेश की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत नहीं है, जैसे उपदेश की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे सहज देखा और उसे हो गया सत्य का ज्ञान, हो गया उसे सम्यक दर्शन हो गया। अब अपन इसी बात को एक स्लाइड के माध्यम चलते हैं,
और उसमें समझते हैं स्वभाव सम्यक दर्शन और उपदेश सम्यक दर्शन को स्लाइड के माध्यम से। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के हेतु, जो दो बातें अपन ने पढ़ी, पहला लिखा है निसर्गज और दूसरे में लिखा है अधिगमज। उस तरफ निसर्गज और यहाँ पर लिखा है अधिगमज। निसर्गज के नीचे क्या लिखा है? स्वभाव से। क्या लिखा है? स्वभाव से। और अधिगमज के नीचे लिखा है पर के उपदेश से। किसके उपदेश से? पर के उपदेश से। जो 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और 5 अस्थिकाय, इसके ज्ञाता आचार उपाध्याय साधु आदि से, जो इनके ज्ञाता हैं उनके माध्यम से, अथवा कोई देव भी हो सकता है, सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है, धर्म का उपदेश करने वाला होना चाहिए, तो वो पर के उपदेश से, ठीक है ना? तो अधिगम सम्बन्ध। अब दोनों के नीचे अपन ने एक एक उदाहरण लिखा हुआ है, उस उदाहरण पर गौर दीजिए। क्या लिखा है? निसर्गज के नीचे स्वभाव और स्वभाव का नीचे एक दृष्टांत दिया है। क्या दिया है? कांटे की नोक। कांटे की नोक कोई बनाता नहीं है, वो तो प्रगति की प्राकृतिक है, नेचर से वह नोक बनी हुई है। सुई की नोक तो बनाना पड़ती है, लेकिन कांटे की नोक तो बनी हुई है, तो अपन इसे बोलेंगे स्वभाव। इसे बोलेंगे क्या? स्वभाव। जैसे कांटे की नोक क्या है? स्वभाव है, जैसे निर्मित नहीं किया जाता है, स्वाभाविक है। और अधिगमच के नीचे क्या लिखा है? बाण की नोक। बाण की नोक क्या होती है? उसे छील करके बनाना पड़ती है, या सुई की नोक बनाना पड़ती है, तो वो स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक है। अर्थात जैसे परिश्रम करके, मेहनत करके जैसे नोक बनाई जाए, वो बाण की नोक। ऐसे ही किसी आत्मा को सम्यक दर्शन उत्पत्ति होनी है, तो एक तो पर के उपदेश से, गुरु आदि के उपदेश से, ज्ञानी के, तत्व ज्ञानी के, सम्यक ज्ञानी के उपदेश से उसे ज्ञान की बातें बताई और उसकी मंद कषाएं थी, उसने सुना और सुन करके उसे आहा, क्या बात है, ये है धर्म, ये है वीतरागता, और ऐसा उसे आया, उसकी उसकी अनुभूति हुई और सिद्धांत में हुआ और उसको सम्यक दर्शन हो गया। तो इस प्रकार से ये अधिगम सम्यक दर्शन हो गया, ठीक है? स्वभाव वाले में कैसे? जिसमें किसी उपदेश की जरूरत नहीं है। आप देखिए महावीर स्वामी के समोसरण में कौन से गणधर पहुंचे? गौतम गणधर, ठीक है ना? जब तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिर रही थी, दिव्य ध्वनि नहीं खिर रही थी, और गौतम गणधर वहां पहुंचे। जब गौतम गणधर पहुंचे तो बिना उपदेश के उनको सम्यक दर्शन हो गया। जैसे भगवान देखे, भगवान का वैभव देखा, ओहो ये होते हैं परमात्मा, आडंबर से रहित, इतना वैभव पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये नासा दृष्टि में अलिप्त दशा में है, निष्प्रय है। इस प्रकार का स्वरूप देखा तो स्वरूप देख करके सच्चे परमात्मा की याद आ गई, ओहो ऐसा तो मैं भी बन सकता हूँ, ये तो मेरा भी स्वरूप है। ऐसा करके बोलो, अब किसने उपदेश दिया? गौतम गणधर को किसने उपदेश दिया? कोई ने उपदेश थोड़ी दिया, लेकिन देख करके, जिन अरहंत भगवान को देख करके, ऐसी जिन जिन बिंब को देख करके, गुरु उपदेश ना दें और गुरु को देख करके सम्यक दर्शन हो जाए। भैया सच्चे गुरु तो यही दिख रहे हैं, संसार में तो हमने बहुत देखे, कोई अस्त्र रखा, कोई वस्त्र रखा, कोई आडंबर रखा, उसे किसी ने ज्ञान नहीं दिया, लेकिन स्वमेव अंदर से ये बात निकल के आ गई कि भैया ये बात है, ऐसे ये सच्चे गुरु हैं, ये हैं गुरु, ये हैं भगवान। और उसे क्या हो गया? भैया अब तो यही भगवान, यही गुरु, हमें यही स्वीकार करना है और हम हमें भी ऐसा बनना है, हमें भी ऐसा बनना है। उसे तत्व की नाम याद नहीं है, उसे और कुछ याद नहीं है, पर स्वरूप को देखा और स्वरूप को देखते ही उसे स्वभाव से क्या हो गया? सम्यक दर्शन हो गया। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन दो प्रकार से हो गया, एक बिना पर की प्रेरणा से उपदेश मतलब, और दूसरा उपदेश के माध्यम से। नमोस्तु गुरुदेव। निसर्ग सम्यक दर्शन आपने बताया स्वभाव से होता है, तो वह किस तरह से स्वभाव से होता है? निसर्ग सम्यक दर्शन बिल्कुल स्वभाव से होता है, पर कैसे कैसे हो सकता है? जैसे किसी को देख करके, भगवान को देख करके जाति स्मरण हो जाए, अथवा वैसे ही जाति स्मरण हो जाए, तो जाति स्मरण से पूर्व संस्कार से, पूर्व संस्कार में कभी
उन्होंने भगवान के दर्शन किए हों या मुनियों को देखा हो या शास्त्र में कोई बात सुनी हो, तो पूर्व के संस्कार से उन्हें जाति स्मरण हो जाए और जाति स्मरण होते ही उन्हें क्या हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, ये स्वभाव हो गया। अब यहाँ पे किसी ने उपदेश तो नहीं दिया ना उनको, किसी ने समझाया तो नहीं, पर जाति स्मरण, और जाति स्मरण भी क्या है, वो कितने भवों का जाति स्मरण हो सकता है, जरूरी नहीं पिछले भव का हो, अनेक भवों का जाति स्मरण हो सकता है। इसलिए कहते हैं ये दर्शन, ये स्वाध्याय, ये भगवान की वाणी सुनना, गुरु की वाणी सुनना व्यर्थ नहीं जाती है। न जाने कब जाति स्मरण हो जाए और हम वहाँ पर अपना कल्याण मार्ग चुन लें, वहाँ गुरु ना हो लेकिन तुम्हें जाति स्मरण हो गया, सम्यक दर्शन हो गया और तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो जाति स्मरण से, जिन बिंब दर्शन से भी, जिन कल्याणक दर्शन से भी, वेदना भव से भी, और इसी प्रकार देव रिद्धि दर्शन आदि से भी स्वभाव रूप से सम्यक दर्शन हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जो आपने बताया अधिगमत उपदेश सम्यक दर्शन में, उपदेश जो होता है जो गुरुओं का हो सकता है या और किसी का भी हो सकता है, कोई विद्वान का हो सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। लब्धिसार में इसका आंसर दिया है। लब्धिसार में आया है कि 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्व और 5 अस्तिकाय आदि के उपदिष्ट जो करता है वो आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि, निर्ग्रंथ गुरु हैं। उनका प्राप्ति होना वो देशना लब्धि में आता है कि ऐसे उनके द्वारा देशना मिल जाए तो आप तो सौभाग्यशाली हैं, यदि निर्ग्रंथ गुरुओं के मुख से यदि आपको धर्म की बातें मिल जाए। लेकिन शास्त्र में तो चारों गतियों में ही सम्यक दर्शन हो सकता है ना, तो वहाँ भी देशना, देव एक देव किसी दूसरे देव को संबोधन कर सकता है जो धर्म का अधिकारी हो, धर्म जानता हो। देव तीसरे नरक तक नारकी जीवों को भी संबोधन करने के लिए धर्म श्रवण दे सकते हैं, तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो धर्म को जानने वाला ज्ञानी है, पंडित है, मुनिराज है, देव है, सम्यक दृष्टि है, वो भी किसी भी जीव को धर्म का उपदेश दे सकते हैं और उनके उपदेश से किसी को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए किसी भी विद्वान से आप धर्म ध्यान की बात सुन करके आत्मसात कर सकते हैं और स्वयं भी उसका अध्ययन करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारु जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती आशा जैन, धर्म पत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिंपल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हादविक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली, श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।